जुलाई 2018 ट्राई के चीफ आर एस शर्मा ने ट्वीट किया अपना आधार नंबर। उनका ओपन चैलेंज था कि आधार का सिस्टम फुल प्रूफ है, और उसका रिस्पांस, लोगों ने ना सिर्फ उनकी पर्सनल डिटेल ढूंढ निकाली बल्कि एक यूजर ने तो उनके नाम से फेक आधार कार्ड बना के अमेजन और फेसबुक एड सर्विसेज पे रजिस्टर भी कर दिया। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस था कि आर एस शर्मा से जुड़ी मोस्टली डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है और आधार के सिस्टम्स में कोई भी हैक नहीं हुआ है। अब ये बात तो थी एक पब्लिक ऑफिसर की जिनकी डिटेल्स रहती है पब्लिक डोमेन में, लेकिन आम आदमी का क्या? क्या मैंगो पीपल की आधार डिटेल सेफ है? जनवरी 2018 में द ट्रिब्यून के एक रिपोर्टर ने ट्रैक किया एक एनोनिमस व्हाट्सएप ग्रुप, जहां सिर्फ 500 रुपए देने पे आपको एक पोर्टल की एक्सेस डिटेल्स मिलेंगी और उस पोर्टल पे आप किसी भी पर्सन की आधार से जुड़ी कोई भी डिटेल एक्सेस कर सकते थे। द ट्रिब्यून के एस्टिमेट्स के हिसाब से जब तक ये प्रॉब्लम फिक्स हुई तब तक 1,00,000 से ज्यादा लोग इस सर्विस को इलीगली एक्सेस कर चुके थे। अब मैं ऐसी दूसरी रिपोर्ट्स के एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं जहां आधार की डिटेल्स लीक हुई है, जैसे 200 से ज्यादा गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आधार का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना। पर अभी तक आप पॉइंट तो समझ ही गए होंगे कि आधार के डेटा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा कैसे? एक तरफ गवर्नमेंट तो बोल रही है कि आधार का डेटा बिल्कुल सेफ है और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स। आप यकीन करेंगे तो किसकी बात पे? गवर्नमेंट की बात पे या इन रिपोर्ट्स पे? एक्चुअली दोनों ही चीजें ठीक है, गवर्नमेंट भी और ये रिपोर्ट्स भी। चलिए समझते हैं। अब अगर आपको ये पूरी कहानी समझनी है तो आपको ये समझना होगा कि आखिर हमें आधार की जरूरत पड़ी क्यों। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो पाया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत सारी लॉन्च करती है लेकिन वो बेनिफिट्स लोगों तक नहीं पहुंच पाते। इन्हीं सब स्कीम्स में से एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इंडिया में ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के अंडर राशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जगह जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सही पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना या फ्रॉड ब्लैक मार्केटिंग से बचना या फिर ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी से एफिशिएंटली ये पूरी प्रोसेस मैनेज करवाना। इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए 2009 में आया आधार। आइडिया ये था कि इस पूरे सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करके गवर्नमेंट सब्सिडीज को जरूरतमंद लोगों तक एफिशिएंटली पहुंचाया जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक ऐसी स्कीम जिसमें सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ सके, ये सब आधार की वजह से ही हो पाया है। सो फार सो गुड, राइट? अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो बेसिकली आधार को डिजाइन किया गया था एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जैसे, जिसमें ये इंश्योर किया जा सके कि गवर्नमेंट सब्सिडीज जरूरतमंद लोगों तक ठीक से पहुंच रही हैं कि नहीं, और उसके लिए आधार को चाहिए थी आपकी डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स। इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा क्योंकि प्रॉब्लम इन्हीं डिटेल से जुड़ी है। अब ये सारी डिटेल्स जाती हैं एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड भी है। तो जब भी आप किसी स्कीम के अंडर अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं तो सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाती है और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है यस और नो में। इस सिस्टम में कहीं भी आपकी बैंक डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल शेयर नहीं की जाती। अब यहां तक तो सब ठीक लग रहा है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कभी भी आपकी कोई भी डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करता और ये पूरा सिस्टम एंड टू एंड इंक्रिप्टेड भी है। अब इस सब से तो गवर्नमेंट की बात ठीक लग रही है, तो फिर रिपोर्ट्स का क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम रिलेटेड है जिस तरीके से हम आधार को यूज करते हैं। देखिए, आधार को ओरिजिनली प्लान किया गया था यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हमने आधार को एज ए फोटो आईडी प्रूफ यूज करना शुरू कर दिया। तो अब आप ये पूछेंगे तो उससे क्या? उससे हुआ ये कि आपका आधार नंबर हर जगह पे शेयर होने लगा। आधार फ्रेमवर्क का एक इंटरेस्टिंग फीचर है सीडिंग, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिशियरीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके आधार नंबर्स को अपने डेटाबेसेस में स्टोर कर सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी। सुरेश दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विस यूज करता है और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के पास सुरेश की अलग अलग डिटेल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के डेटाबेस की सिक्योरिटी के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, और अगर इन डेटाबेस से कोई चोरी होती है तो कोई भी पर्सन आपके आधार नंबर के बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ज कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना इसी चीज का एग्जांपल है। अब बैंक्स के सिस्टम को तो हम फिर भी सिक्योर मान सकते हैं, लेकिन जब से हम लोगों ने आधार को एज ए फोटो आईडी यूज करना शुरू किया है तब से जाने अनजाने हम आधार को ना जाने कितनी ही जगह पे शेयर करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, आधार में दूसरे आईडी प्रूफ्स के जैसे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, जैसे होलोग्राम्स या चिप, तो ऐसे में इसे डुप्लीकेट करना और भी इजी हो जाता है। जो ये पार्ट हमने डिस्कस किया है ये रिलेटेड था आधार की डेमोग्राफिक डिटेल से। अब प्रॉब्लम का दूसरा और ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है जिसमें हमारी बायोमेट्रिक डिटेल्स चोरी हो रही है। फरवरी 2017 में एक टेलीकॉम प्रोवाइडर के 6 एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया गया। वो लोग धोखेधड़ी से फिंगरप्रिंट्स को यूज करके सिम कार्ड बेच रहे थे। दूसरे एक केस में एक बैंक का नाम सामने आया जिसमें वो लोग बिना परमिशन के यूजर्स का बायोमेट्रिक डेटा सेव कर रहे थे। एक ऐसे टाइम में जहां हम मोस्टली सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आधार नंबर का यूज करते हैं, उसमें हमारी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स का चोरी हो जाना एक सीरियस कंसर्न है। बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि आप इन्हें पासवर्ड की तरह रीसेट नहीं कर सकते। तो वर्स्ट केस में अगर कोई पर्सन आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स चुरा लेता है तो ना सिर्फ वो आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है बल्कि आपको किसी भी सर्विस को एक्सेस करने से भी रोक सकता है। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट सच बोल रही है? तो आंसर इज यस। आज तक किसी भी रिपोर्ट या किसी भी फाइंडिंग में ये निकल के नहीं आया है कि सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी से कोई इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि थर्ड पार्टी सिस्टम्स जहां हम मोस्टली अपनी आधार डिटेल शेयर करते हैं, गड़बड़ के चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा रहते हैं और सीडिंग जैसे फीचर्स कैसे गलत हाथों में गलत तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अब मैं ये सब बता के आपको डरा नहीं रहा हूँ, द आइडिया इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो अब मोस्टली प्रॉब्लम्स की तरह इस प्रॉब्लम का भी कोई सोल्यूशन होगा और है भी। देखिए, जहां पर भी आपको फोटो आईडी प्रूफ की जरूरत पड़े तो कोशिश कीजिए अपने दूसरे फोटो आईडीज को यूज करने की, और अगर आपको आधार यूज करना ही है तो आप यूज कर सकते हैं मास्क आधार, जिसमें आपके आधार के इनिशियल नंबर्स मास्क रहते हैं और बस लास्ट के 4 डिजिट्स ही विजिबल रहते हैं।